तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, लोहा जो होता है उस पर जंग लगता है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक का लेप लगाया जाता है, यानी कि जस्ता का लेप लगाया जाता है। तो लोहे पर जस्ते के लेप लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। आप नाम याद रखोगे, अलग अलग नाम है। इसी को गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है, और इसी को गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखोगे, आपके एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन आएगा वो आप टिक कर देना। इस ऑप्शन में देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है गैल्वेनीकरण, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लोहे पर जिंक का लेप लगाने का जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का सबसे पहले हमको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? AgCl2। Ag मतलब सिल्वर और Cl का मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब देखो, वैसे भी हम लोग जनरली जानते हैं जो चांदी होता है उसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। बस सिंपल ऐसे ही याद रख लो, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वह कैसा होता है? श्वेत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो देखो, जस्ता, ठीक है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिएक्शन कराया जाता है तो देखो ये बन जाता है जिंक क्लोराइड, ठीक है, और हमारा बन के क्या आता है? हाइड्रोजन, ठीक है। देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन है असंतुलित है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बस ऐसे लिख रहा हूँ, अगर संतुलित करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें क्या मिलकर के आ गया? हाइड्रोजन मिलकर के आएगा। तो हाइड्रोजन का ऑप्शन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो देखो, दहन का मतलब होता है वैसे अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें कोई पदार्थ जलने के बाद प्रकाश भी उत्पन्न करता हो और साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता हो, ठीक है। तो आप देख लो, जल जब उबलता है ऊष्मा मिलता है लेकिन प्रकाश नहीं। मोम का पिघलना, मोम जब पिघलता है तो ऊष्मा मिलता है, प्रकाश नहीं। जलता है तब मिलता है, लेकिन पेट्रोल जब जलता है तो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो, साग सब्जी जब विघटित होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्या? ऊष्मा। और जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा इमिट हो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, एग्जामिनेशन में आपसे इसका परिभाषा भी पूछ लिया जाएगा सब्जेक्टिव टाइप्स में। तो याद रखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता हो ऊष्मा शोषी कहलाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो आपको प्राप्त होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सही है। तो देखो, आपको सभी ऑप्शन में एक चीज़ तो कॉमन मिल रहा होगा, क्या? Na2 और CO3। क्या होता है Na2CO3? इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसी को बोला जाता है धोवन सोडा, यानी व्यापारिक नाम धोवन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। तो ये आधा अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए इसके साथ लगता है 10H2O, ठीक है। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में 10H2O, ऑप्शन नंबर बी में है 10H2O, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपघटन क्या होता है। देखो, अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन है O2, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये हो गया टूटना। लेकिन अगर हम इसी को, ये जो एरो है इसको हम उल्टा कर दें, इस एरो को अगर मान लो कि हम उल्टा कर दें, ठीक है, इस एरो को अगर इस साइड घुमा दें, तो देखो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर के दो ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो अगर एरो ऐसे रहे, यानी कि एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के दो ऑक्सीजन का निर्माण करे, तो इसको बोलते हैं संयोजन।
है ना, और जब दो ऑक्सीजन टूट करके अलग अलग एक एक ऑक्सीजन का निर्माण करे तो वियोजन। सिंपल सी बात है, अपघटन या वियोजन का मतलब हो गया टूटना। तो आप देख सकते हो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें टूट रहा है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी में ध्यान से देखो, ऑप्शन सी में ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2KClO3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2KCl अलग हो गया है और 3O2 अलग हो गया है, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो ये अभिक्रिया ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा Fe2 में से O जो है वो हट गया है यहाँ पर, सॉरी Fe हट करके अलग हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखना, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है। जब रिएक्शन हुआ है तो आप ध्यान से देखना, ऊपर में आप देखना कि जो Fe2O3 है तो Fe क्या हो गया है, Fe2 यहाँ आ गया है, और ये जो O3 है O3 के साथ ये एल्यूमिनियम का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर O3 के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो गया। तो ये क्या किया, ऑक्सीजन क्या किया, लोहे को विस्थापित कर दिया और एल्यूमिनियम को अपने साथ रख लिया, यानी कि ऑक्सीजन जो था लोहे को हटा दिया और एल्यूमिनियम को अपने साथ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापित कर देना, ऑक्सीजन के द्वारा लोहे को विस्थापित कर दिया गया। और जब इस प्रकार का रिएक्शन होता है कि जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को या कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को अपने जगह से विस्थापित करके किसी दूसरे से रिएक्ट कर ले तो इसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहा जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। एक चीज़ आप याद रखना, एसिड का अगर किसी भी पदार्थ से रिएक्ट कराया जाता है, चूँकि आप लोग 10वीं कक्षा के हो तो आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतना अनुभव है कि जब भी एसिड का किसी से रिएक्शन कराया जाएगा तो याद रखना आपको अगर आंसर नहीं आता है तो तुक्का के रूप में आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, हाइड्रोजन गैस बनती ही बनती है, ठीक है। जब भी किसी एसिड के साथ किसी के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो अक्सर, जरूरी नहीं कि हर बार हाइड्रोजन बने लेकिन अक्सर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप नहीं भी जानते हो तो इस तरीके से आंसर कर सकते हो, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो श्वसन जो है, श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो आपको पता है कि श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जब इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ठीक है, समझ रहे हो, तो ही हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है CuO यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराया गया तो कॉपर प्लस H2O मिला। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर जो है ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है, ठीक है। तब ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हो, अब CuO था ना तो ऑक्सीजन हट गया, अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ Cu बच रहा है, यानी कि कॉपर जो पहले ऑक्सीजन के साथ था अब ऑक्सीजन को छोड़ दिया यानी त्याग दिया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसे कहेंगे रिडक्शन अभिक्रिया यानी कि अपचयन, ठीक है, क्या कहेंगे, अपचयन। तो देखो बी ऑप्शन में है अपचयन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। देखो जब आप कार्बनिक कंपाउंड पर होगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या तो बंधन बनाता है, ठीक है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन का या तो साझा होता है, ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए, या पूर्ण रूपेण स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए यानी पूर्ण रूपेण से दे दे किसी को तो इसको बोलते हैं आयनिक, आयनिक रिएक्शन, या क्या बोलेंगे, विद्युत संयोजी। और अगर साझा करता हो
ठीक है, तो उसको विद्युत संयोजी न कह के सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब भी होगा तो सहसंयोजी होगा। आप 10वीं कक्षा में हो तो आप याद रखना, कहीं पर भी अगर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो क्लोरीन जिस भी केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा तो याद रखना, कॉमन ये याद रखना कि वह विद्युत संयोजी बंध बनाएगा या आयनिक बंध बनाएगा। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, तो साफ दे दिया, तो साफ दे दिया तो विद्युत संयोजी बंध, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने से बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर के CuO बना। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग हो तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो किसके साथ किसके साथ ऑक्सीजन संयोग हो, कॉपर के साथ, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण है, अब देखो यहाँ पर H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई भी ए और बी रिएक्ट होकर के अगर ए बी बना रहा हो तो अलग अलग था, जुड़ करके एक बन गया, तो इसको बोलेंगे संयोजन। और अगर एरो का साइन चेंज हो जाए तो जुड़ा हुआ था अलग अलग हो गया तो वियोजन। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो रहा है, संयोग कर रहा है, एक दूसरे से संयोग होकर के एक बन गया, है ना, हस्बैंड वाइफ, पहले लड़का लड़की अलग अलग था, अब शादी करके एक हो गया। जब शादी करके एक हो गया तो बोलेंगे संयोग कर लिया। ठीक है, और जब देखते होंगे आप लोग कि अगर दो दोस्त होते हैं, ठीक है, तो दो दोस्त में अगर किसी प्रकार की अनाकानी हो जाती है तो ये अलग अपना रास्ता अपनाता है, ये अलग अपना रास्ता अपनाता है। पहले एक थे लेकिन किसी प्रकार के तकरार होने के वजह से वो अलग अलग हो गए, तो अलग हो गए तो वियोजन, टूट गए। ठीक है, और अगर साथ हो गए, ठीक है, किसी नए को ले आया तो वो कहलाएगा क्या, संयोजन। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो अलग अलग सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिल करके 2HCl बना रहा है, तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक ट्रिक बताता हूँ। विस्थापन में जो होगा, ठीक है, तो उसमें जो एक ही यौगिक क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, विस्थापित करेगा किसी दूसरे तत्व को, एक यौगिक सहसंयोजी बंधन वाले, ठीक है। लेकिन जब भी कभी आयनिक बंधन वाले एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, या यूँ कह लो कि आयनों का आदान प्रदान करेगा, तो वो कहलाएगा द्विविस्थापन। आप उसको भूल जाओ, आयन वगैरह को सीधा याद रखो। क्लोरीन है ना, क्लोरीन का याद रखो, अगर क्लोरीन किसी भी केमिकल रिएक्शन में है तो समझ जाना कि वो द्विविस्थापन रिएक्शन है, बात ख़त्म, कुछ याद नहीं रखना है। अगर क्लोरीन रहे, ठीक है, सोडियम रहे, ठीक है, क्योंकि ये सब आयनिक बंधन बनाते हैं, तो जब भी आयनिक बंधन बनाने वाले कोई यौगिक एक दूसरे को रिप्लेस करेगा तो उसे कहेंगे द्विविस्थापन, समझ रहे हो ना। तो क्लोरीन और सोडियम बस याद रखो, जिस केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन और सोडियम रहेगा उसमें कौन सा होगा, द्विविस्थापन। आप देख लो कौन से ऑप्शन में क्लोरीन और सोडियम है, तो आप देख लो, क्लोरीन तो ऑप्शन डी वाले में भी है लेकिन सोडियम इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो आप, यहाँ पर Na सोडियम और Cl क्लोरीन दोनों साथ साथ है। जब दोनों साथ साथ है, तो जब साथ साथ है तो हम अलग क्यों करें, साथ साथ है तो है, तो जब क्लोरीन और सोडियम है तो यही ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटा देना भाई, विस्थापित कर देना, है ना, जैसे कि पहले के समय में होता था राजा महाराजाओं में, है ना, जब बाप नहीं हटता था तो बाप बेटे को टपका करके उसके जगह पर खुद स्थापित हो जाता था, विस्थापित कर देना, वही बात है। विस्थापन का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि कोई तत्व ए है, कोई तत्व बी है, इसके साथ अभी रह रहा है, अरे सिंपल सा देखो ना, अभी हमारे लाइफ में ये लड़का है और ये लड़की है, अगर ये लड़की पसंद है तो इसके साथ दोस्ती कर लिया, और अगर कोई तीसरी लड़की इससे भी खूबसूरत आ गई तो इसको छोड़ के इससे रिएक्ट कर लेते हो, बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी देखो होता क्या है, आप इसमें देख लो कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का सीधा सा मतलब हो गया रिप्लेस कर देना, किसी को हटा के दूसरे को ले आना।
तो देखो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो यहाँ पर लोहा और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। जब लोहा जो होता है कॉपर, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देकर ये जो है लोहा इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा तुम्हारा FeSO4 और कॉपर। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कॉपर को हटा दिया गया, पहले क्या था कॉपर सल्फेट में CuSO4 में Cu और SO4 एक साथ था, लेकिन अब देखो Cu क्या कर दिया, SO4 Cu को हटा दिया और Fe के साथ चला गया, तो हो गया ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है, ठीक है, तो याद रखना अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण बनता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का मतलब हो गया टूटना, मैंने कितनी बार बताया टूटना, ठीक है, छोड़ के चला जाना, एक गाना भी आया था ना जो मुझे छोड़ के तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, तो यहाँ पर भी टूट रहा है छोड़ के जा रहा है, तो अब देखो कौन में छोड़ के जा रहा है, तो CaCO3 छोड़ दिया ना, अलग अलग हो गया छोड़ दिया, इसमें देखो 2KClO3 यहाँ पर भी छोड़ दिया, देख रहे हो है कि नहीं है, और यहाँ पर भी ध्यान से देखो, फिर से देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी अपघटन का नहीं है तो संयोजन का होगा, किसका होगा, संयोजन का होगा, तो सही ही तो बता रहे थे, यहाँ पर भी छोड़ दिया यहाँ पर भी छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर देखो पकड़ लिया है ना, H2 और Cl2 रिएक्ट करके बना लिया 2HCl, क्या बना लिया 2HCl, तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया नहीं है बल्कि यह संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है, अब देखो रेडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीजन संयोग किया, ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन गया, ठीक है, तो इसको बोलते क्या है ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन आके मिल गया, तो इसको बोलते हैं अवकरण। अब अगर मान लो कि दोनों रिएक्शन एक साथ हो, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण अगर एक साथ हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में इसी को बोलते हैं उपापचयी अभिक्रिया, बायोलॉजी में आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो, मतलब ये जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों का दोनों क्या हो रहा है साथ हो रहा है, तो बी सी प्रश्न थे इसमें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे का इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है बेकिंग पाउडर क्या है, तो देखो बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, तो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर क्या है, एक मिश्रण है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में कौन क्षारक है, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्षारक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बताते हुए चल रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, देखो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, वैसे पीएच स्केल दिया किसने था, सोरेनसन ने, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो यहाँ पर 0 और मैक्सिमम लेवल जो है 14 है, 14 है, मिड का 7 है, अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक, और अगर 7 से अधिक है तो वो हो जाएगा बेस, ठीक है, और अगर 7 है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, मतलब अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से जितना कम होता जाएगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है, जितना 7 से अधिक होता जाएगा अधिक क्षारीय होगा, ठीक है, और याद रखिएगा जितना अधिक जाएगा, यानी अगर पूछ लेगा कि बताओ 7 के बाद 8 आता है, तो जिसका पीएच मान 8 और जिसका पीएच मान 14 है दोनों में कौन प्रबल क्षारक है, तो जितना आगे बढ़ता जाएगा वो प्रबल क्षारक, यानी 14 वाला प्रबल क्षारक होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, बी करेक्ट आंसर। अगला है जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को कहा जाता है क्षार,
तो कौन सा आंसर सही होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनु HCl का pH मान होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, तनु HCl जो होता है वह एसिड है। क्या है? एसिड है, और यह काफ़ी हार्ड एसिड होता है, यानी इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। यही HCl जो है हमारे स्टमक से स्रावित होता है और फूड पार्टिकल्स को तोड़ने में मदद करता है, यानी अमाशय से स्रावित होता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। अगर HCl के pH मान की बात किया जाए तो HCl का जो pH मान होता है वो 0 होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो याद रखिएगा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो आप देख लो, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अम्ल है HCl, ये क्या है? अम्ल है। याद रखना HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है और साथ साथ म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो याद रखना ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो कहा ही जाता है, इसको साथ में म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। आगे है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या होता है? तो देखो सिल्वर क्लोराइड, या मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, सीधा देखो चांदी जो होता है श्वेत होता है, तो श्वेत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्वेत। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ठीक है, तो सबसे अधिक अम्लीयता की बात करेंगे तो सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा यहाँ पर pH वैल्यू जिसका 1 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, देखो यहाँ से 1 से लेकर के 14 तक, यहाँ पर 7 जो होगा न्यूट्रल होगा, 7 से जितना कम आते जाओगे वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता चला जाएगा। तो सबसे कम कौन सा? 1 ही है ना, तो यही हो जाएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय। और अगर पूछ लेगा सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन, तो ऑप्शन डी में देखो pH वैल्यू 10 है, तो ये सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा। आगे है, निम्नांकित में कौन लवण है? तो लवण की बात करोगे तो NaCl क्या है? एक लवण है। याद रखना टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, NaCl को, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसी को बोलते हैं साधारण नमक, जो हम लोग नमक खाने के लिए यूज करते हैं वो, उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। क्या? H2SO4। तो बी ऑप्शन में है H2SO4, याद रखना है। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। और ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम बोला जाता है इसका धोवन सोडा। ठीक है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो देखो आयनिक यौगिक से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था पहचानने का तरीका। तो दो तत्व आप याद रखोगे, एक तो सोडियम याद रखोगे, एक क्लोरीन याद रखोगे, क्योंकि मैंने 10वीं कक्षा को 7 वर्षों से मैं पढ़ाता रहा हूँ, 7 या 8 वर्षों से, तो इतना अनुभव है कि आपके बुक में मैक्सिमम जो है सोडियम और क्लोरीन से संबंधित ही आपका एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्ज़ाम में भी इसी से संबंधित एग्जाम्पल रहेगा। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में सोडियम या क्लोरीन रहेगा आप आंख बंद करके लगा देना आयनिक यौगिक। मीथेन में इसमें है ही नहीं, बी में देखो है ही नहीं, डी में है ही नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, बाद में के सब कौन सा है? सहसंयोजक बंधन वाला है। आगे है, NaOH है क्या? ठीक है, तो NaOH क्या है? तो देखो OH ये हो गया अल्कोहल, ये क्या हो गया? अल्कोहल। आप लोग जो शराब की बात करते हो वो होता है अल्कोहल, ठीक है, और शराब का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो केमिकल नेम होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। तो जिस भी केमिकल कंपाउंड में अगर OH लगा हो तो आप सीधा समझ जाना कि वो कौन सा होगा? क्षार होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है? तो फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब लोहा, फेरस का मतलब लोहा, आप याद रखना फेरस जिसमें भी लगा होगा मैक्सिमम जो होता है उसका कलर हरा ही होता है मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अगर नहीं पता है तो फेरस वाले में आप अक्सर जगह हरा लगाना, और अगर हरा ऑप्शन में नहीं है तो लाल लगाना, ठीक है, लेकिन इसमें आपको हरा दिया हुआ है तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, जल का pH मान होता है? तो देखो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ
कि जल का पीएच मान तो 7 हो गया, तो बताओ जल की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? आप हमें कमेंट करके बताओ इसका आंसर। आगे है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? ठीक है, तो देखो अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है। अगला है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन का पीएच निम्नांकित में से क्या होगा? याद रखना, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार, ठीक है ना। एक क्या होता है, अम्ल और क्षार। जो अम्ल होगा वो बना देगा लाल, क्या बना देगा, लाल, नीले को लाल। आम, अम्ल से आप याद रखो, आम, आम कैसा होता है, लाल, आम पकने के बाद लाल होता है ना, आम पकने के बाद लाल होता है, आम पकने के बाद लाल होता है। तो कोई भी अम्लीय पदार्थ होगा वो नीले लिटमस को कैसे बदल देगा, अम्ल में, यानी आम लाल होता है तो अम्ल लाल में बदल देगा, ठीक है। और जैसे ही लाल में बदल देगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, अब लाल में बदल गया तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, तो देखो कौन है 7 से कम, तो 6 वाला। और वैसे भी आप नहीं भी जानते हो तो ऑप्शन से टिक लगा सकते हो, 7 से अधिक वाला तो क्षारीय होता है, 8 भी 7 से अधिक, 10 भी 7 से अधिक और 12 भी 7 से अधिक, ये तो तीनों एक ही कैटेगरी का हो गया, बच गया डी 6, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, एक्वेरेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक्वेरेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो सिंपल सी बात है भाई, 2 7 से कम है एसिडिक होगा, 6 7 से कम एसिडिक होगा, 7 उदासीन होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो क्षारकीय विलयन का पीएच मान हो सकता है। आगे है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? अब देखो सीधा सा बात मैंने बताया, लाल कर देता है, सॉरी लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो मैंने बताया था अम्ल होगा तो लाल करेगा, क्योंकि आम लाल होता है तो अम्ल होगा तो लाल करेगा, लेकिन यह नीला कर रहा है तो नीला कौन करेगा, क्षार करेगा सिंपली, तो क्षार का पीएच क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो देखो 7 से अधिक कौन है, 10 है 7 से अधिक, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी तुरंत बताया है, आप इसका आंसर कमेंट करोगे कि क्या होता है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो नीला तूतिया का क्या होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट तो सब ऑप्शन में है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 5H2O, क्या हो जाएगा, 5H2O। तो इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर बी में है, CuSO4 × 5H2O, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीन चीज़ याद रखना, एक तो नीला थोथा, एक हो जाएगा श्वेत थोथा, ठीक है, और एक हो जाएगा हरा थोथा। जब नीला कहेगा तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, श्वेत कह देगा तो जिंक सल्फेट, ZnSO4, और जब हरा कह देगा तो फेरस सल्फेट, FeSO4। तीनों याद रखना, तीनों इम्पोर्टेंट है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, श्वेत थोथा या श्वेत तूतिया जिंक सल्फेट, और हरा थोथा कहा तो फेरस सल्फेट। सभी केमिकल फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। आगे है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो देखो मैंने इसे में रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन याद हो सके, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का मतलब होता है खाने वाला सोडा, क्या, खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडे का जो अनुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। खड़िया का भी यही होता है, सीमेंट का भी यही होता है, ठीक है, और किसी अंडे का जो कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। सीधा इसे याद रखना, जिसमें कैल्शियम लगा होगा वो सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा। आगे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो विरंजक जो सूत्र होता है उसको कहा जाता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहा जाता है,
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसी को इस तरीके से भी लिख देगा CaOCl Cl, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर भी देखो क्लोरीन दो बार है तो उसी को Cl2 कर दिया है, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो होता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक अनुसूत्र होता है। निम्न में कौन अम्ल नहीं है, तो देखो HCl भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है और H2SO4 भी अम्ल है। और याद करो मैंने इसी वीडियो में बताया कि जिस भी कंपाउंड में OH जुड़ा होगा अंतिम में वो होगा क्षार। तो देखो इसमें OH है ना, चलो तो ये हो जाएगा KOH, क्या हो जाएगा, अम्ल नहीं है बल्कि क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो अब देख लो सल्फ्यूरिक अम्ल जो ऑप्शन नंबर सी में है ये क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये केमिकल फॉर्मूला पूछता है भाई, इसको याद कर लेना, इसी को अम्ल राज भी कहा जाता है। आगे सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है किसको, हाइड्रोजन को। और याद रखना हाइड्रोजन जो है किसी भी अम्ल का प्रमुख लक्षण है, कोई भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। तो सक्रिय धातु जो होता है वो अम्ल से किसको, अम्ल से विस्थापित करती है किसको, हाइड्रोजन को। आगे है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीला कर दिया। तो देखो आम होता है लाल, आम कैसा होता है, लाल होता है, मतलब अम्ल जो होगा वो लाल में बदलेगा। तो एक बच गया अब नीला, तो नीला में कौन बदलेगा, क्षार, और क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल का पीएच कितना होता है, मैंने इसी वीडियो में बताया, आप कमेंट करके बताओ। अब चलो कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है, इस विलयन में निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ उपस्थित है, तो देखो इसमें हो जाएगा HCl। HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विरंजक, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, तो विरंजन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई जल को जीवाणु रहित यानी जल को शुद्ध करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में या फिर नाली वगैरह की जो पानियाँ होती हैं उनको शुद्ध करने के लिए अक्सर इनका यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। अब हमें कमेंट करके बताओ विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आप हमके बताओ, आप हमको कमेंट करके बताना। आगे है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो देखो कभी भी आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बड़े होते हैं अगर वो शेविंग कर रहे होते हैं तो शेविंग करने के बाद फिटकरी का यूज करते हैं, किसका, फिटकरी का, क्यों, क्योंकि अगर कहीं पर कट गया हो तो वो ब्लड को रोक सके बहने से, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो एसिटिक अम्ल में होती है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या केवल और केवल एक, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन सा पदार्थ उत्पादन का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4Cl, यह उर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। उर्ध्वपातन का मतलब होता है अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ गया, मतलब हमको पता है कि कोई पदार्थ अगर सॉलिड है तो चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, लेकिन अगर कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, लिक्विड में ना कन्वर्ट हो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं उर्ध्वपातन। आगे है पोटास एलम यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप पढ़ लो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी में जो दिया गया है यही पोटास एलम या फिर फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र है। आगे है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो देखो मैंने पहले ही बताया था जितना कम जाएगा उतना अधिक अम्लीय होगा, सबसे कम कौन है, एक है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, तो देखो जो बहुत क्षारक अम्ल होते हैं, ठीक है, उसका अगर उदासीनीकरण करोगे तो क्या प्राप्त होगा, अम्ल लवण ही प्राप्त होगा ना, क्योंकि वो अम्लीय है तो अम्ल लवण ही प्राप्त होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है, तो क्षारकीय ऑक्साइड हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है Sa2। और याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड ही एसिडिक रैन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा, एसिडिक रैन, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एसिडिक रैन का जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.5 से कम होता है। दिया गया क्वेश्चन पीबी इंटू ओएच NO3 किस प्रकार का लवण है, तो मैंने पहले ही बताया जिसमें भी OH यूज होगा, ठीक है,
OH जिसमें भी यूज होगा वो हो जाएगा क्षार। तो किसमें है? सी ऑप्शन में है, क्षार के 11 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, हमारे शरीर का पीएच मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारे शरीर का पीएच मान कितना? अब देखो, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो इसी हिसाब से आप याद रख सकते हो 7 to 7.8। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? देखो, अभी मैंने तुरंत बताया, वर्षा जल जो होता है वो किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से। अगर पानी में इसकी मात्रा बढ़ गई, बारिश के पानी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्षा, अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन कब होगा? जब उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा। 5.5 या 5.6 से अगर कम हो जाएगा पीएच वैल्यू, तो उस वर्षा को हम लोग बोलेंगे अम्ल वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस चैप्टर का आखिरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नांकित में से किस रूप में उपयोग होता है? तो देखो, MgOH2 जो होता है, ठीक है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना, इसका जो प्रयोग होता है वो एंटासीड के रूप में होता है। किस रूप में? एंटासीड के रूप में होता है। एंटासीड का मतलब समझते हो, जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा, यानी कि पेट में, स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, या कह लो कि गैस बन जाता है, तो उस समय गैस को कम करने के लिए एंटासीड का यूज करा जाता है। जैसे कि आप लोग इनो वगैरह का यूज करते हो ना, ठीक है, यह भी एक प्रकार के एंटासीड है। उसी प्रकार से एंटासीड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ करा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस कराया आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस में जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। आप इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, और नोट कर लेने के बाद इसको अच्छे से कम्प्लीट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको कम्प्लीट कर लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, धातु और अधातु से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है, ओके, जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो याद रखिएगा, अमलगम बनाने के लिए किस धातु की अनिवार्यता है? तो अमलगम के निर्माण के लिए चाहिए हमेशा पारा, है ना, बिना पारा के अमलगम का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पारा। यानी अमलगम के निर्माण के लिए किस धातु का होना अनिवार्य है? पारा का होना अनिवार्य है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो देखो, तांबा ऑक्सीजन से संयोग करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन ये जो गोल्ड है आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ओके। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें गोल्ड का संकेत, तो गोल्ड का संकेत होता है AU, और AU कहाँ से लिया गया है? तो AU इसका लैटिन संकेत है, लैटिन नाम से लिया गया है। तो सोना का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? ओरम होता है, और ओरम का फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को लेकर के इसका संकेत बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो देखो, बात करें विद्युत की चालकता की, तो कोई भी अगर सॉलिड होता है, ठीक है, तो सॉलिड में अगर विद्युत चालन की बात की जाती है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है? चालन होता है आवेश का, ओके। और अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड में किसके वजह से होता है? आयंस के वजह से होता है। किसके वजह से? आयंस के वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चांदी में, उसके बाद कॉपर में। इसीलिए चांदी जो है वह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है। तो चांदी बी में है, चांदी का संकेत होता है AZ, ठीक है, और AZ इसके लैटिन नाम से लिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो अयस्कों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अयस्क जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का संकेत AL होता है। निम्नांकित में कौन उप धातु है? तो देख लो, धातु आपका जो लोहा है वह धातु है, कॉपर धातु है,
निकेल धातु है, लेकिन Sb यानी बिस्मथ जो है ये आपका एक उपधातु है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, सोने की जो शुद्धता है वह मापी जाती है किसमें, कैरेट में, ठीक है। और शुद्ध सोना की जब भी बात किया जाएगा तो शुद्ध सोना होता है कितने, 24 कैरेट का। लेकिन जब भी कोई आभूषण बनाया जाता है तो उसमें 24 कैरेट सोने का यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसमें 22 कैरेट सोने का यूज किया जाता है और साथ में इसके मिलाया जाता है कॉपर। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए सोने के साथ किस पदार्थ का मिश्रण किया जाता है, तो कॉपर का किया जाता है। और आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट के सोने का यूज किया जाता है, तो 22 कैरेट। नेक्स्ट है, पीतल है। तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो पीतल जो है वह किसका मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है किसका, एक तो हो जाएगा आपका तांबा, ठीक है, और साथ साथ हो जाएगा आपका जस्ता। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तांबा का होता है संकेत Cu, जस्ता का संकेत Zn, ठीक है। तो हो सकता है आपका संकेत से भी पूछ ले, तो आप दोनों को याद रखोगे। इसके लिए एक ट्रिक है बढ़िया सा, उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्या है ट्रिक, पिताजी। पिताजी वर्ड तो आपको याद ही रहेगा, तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता, यानी जो पीतल है वह तांबा और जस्ता से बना एक मिश्र धातु है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखो, तीन तत्व आप याद रखना, कौन कौन सा तत्व है वो, एक तो हो गया आपका सोडियम, ठीक है, पहला तत्व। दूसरा याद रखना लिथियम, ठीक है, दूसरा कौन सा, लिथियम। और तीसरा याद रखना आप पोटेशियम। ये तीन तत्व ऐसे हैं जिसे हम ईजिली चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है लिथियम, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो देखो, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि दो तत्व आप याद रखना, एक तो आप याद रखना सोडियम और एक याद रखना क्लोरीन, क्योंकि अक्सर एग्जाम्पल जो होते हैं आयनिक यौगिक का वो सोडियम और क्लोरीन से ही बनते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, जिस भी तत्व में या जिस भी यौगिक में सोडियम और क्लोरीन होगा वह आयनिक यौगिक ही बनाएगा। तो ऑप्शन ए में मीथेन है, इसमें कोई भी सोडियम या क्लोरीन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं है, अमोनिया में भी नहीं है, ठीक है। तो किस में है, सी वाले ऑप्शन में है, कैल्शियम क्लोराइड में है। आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि आयनों के आदान प्रदान से कोई तत्व यौगिक का निर्माण करता है, या आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का साझा ना करके पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। आगे है, निम्न में कौन अधातु है। ओके, तो देखो, लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोना धातु है, लेकिन ये जो कार्बन है ये आपका अधातु है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। अब ऑप्शन दिया गया है, इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले बात कर लें सक्रियता श्रेणी होता क्या है। तो सक्रियता श्रेणी वैसी श्रेणी होती है जिसमें तत्वों को इस ऑर्डर में रखाया जाता है ताकि उसकी रिएक्टिविटी को पहचाना जा सके, ठीक है। तो सबसे टॉप पर जो तत्व आता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है, पोटेशियम, फिर होता है सोडियम। तो इसी ऑर्डर में तत्वों की सक्रियता के हिसाब से इसको सजाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो तत्व सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु हैं या बनाते हैं। तो वैसे भी आपको पता है धातु के परमाणु हमेशा क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। क्यों धनायन बनाते हैं, क्योंकि धातु के प्रथम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी भी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए प्रथम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। चूँकि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए अगर मान लो 1 है तो 7 चाहिए, अगर 2 है 6 चाहिए, अगर 3 है तो 5 चाहिए।
तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फ़ायदा क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें। तो एक और दो और तीन इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करना ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अष्टक पूरा करता है। और चूंकि आपको पता है किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो अगर मान लो जैसे कोई सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन की संख्या से दर्शाया जाता है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और 11 प्रोटॉन बचेगा। तो प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक हो गई ज़्यादा, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो धातु होता है उसके ऊपर कौन सा आयन हो जाता है, धन आयन हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, तो सिंपल सी बात है अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको अलग करने की अलग अलग विधि पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय अशुद्धियों की बात की जा रही है। तो अगर कोई चुंबकीय अशुद्धि है तो उसके पास अगर चुंबक ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, मैग्नीलियम। मैग्नीलियम जो है वह एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉपर पाइराइट से। इंपॉर्टेंट है याद रखना, पूछेगा कि कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना, CuFeS2। नेक्स्ट है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो देखो 1, 2, 3 रहा तो वो हो गया धातु, ठीक, 4 रहा तो उपधातु, ठीक, और 5, 6, 7 रहा तो अधातु, ओके, और यदि 8 रहा तो वो हो जाएगा नोबेल यानी कि निष्क्रिय, ठीक है। याद रहेगा 1, 2, 3 तो धातु, 4 रहा तो उपधातु, और बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो अधातु, ओके, और अगर 8 रहे तो वह नोबेल कहलाएगा। तो आप ऑप्शन में देखो, किसी भी ऑप्शन आपको 5, 6, 7 नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखना 4, 5, 6, 7 या 8 दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अधातु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे है साधारण गंधक किस आण्विक स्वरूप में पाया जाता है, तो देखो सल्फर को ही गंधक कहा जाता है, ओके, सल्फर को ही क्या कहा जाता है, गंधक कहा जाता है, और सल्फर जो है वह बहु परमाणुक अणु है, ठीक है। तो सल्फर का जो आण्विक रूप होता है वो होता है S8 के रूप में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है फॉस्फोरस का आण्विक सूत्र क्या है, तो देखो फॉस्फोरस जो है यह भी बहु परमाणुक अणु ही कहलाता है, तो इसका होता है P4, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो देखो सोना को घुलाने के लिए यूज करा जाता है इक्वा रेजिया का, किसका, इक्वा रेजिया का, जिसमें होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और प्लस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, और इसी इक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो यहाँ पर अधातु बात करी गई है, तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ब्रोमीन का संकेत, तो ब्रोमीन का संकेत होता है Br, लेकिन अगर मान लो कि पूछ ले कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा पारा, संकेत होता है उसका Hg। नेक्स्ट है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर, क्या कहते हैं, सोल्डर, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सीसा का, तो सीसा का संकेत होता है Pb, क्या होता है, सीसा का संकेत Pb होता है, और टीन का Sn, सीसा का Pb और टीन का Sn,
तो पीबी और एसएन मिल करके यानी प्लम्बम और बस्टेना मिल करके क्या बनाता है, सोल्डर का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो है कॉपर, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए। वैसे मैंने कहा सबसे ज़्यादा जितने भी तत्व हैं उनको अगर क्रियाशीलता समूह के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, सेकेंड स्थान पर आता है सोडियम, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में ना तो पोटेशियम है ना ही सोडियम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉपर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, अति ज्वलनशील कहने का मतलब जो आसानी से जल पाए, तो जो श्वेत फास्फोरस होता है यह कमरे के ताप पर ही जलना शुरू कर देता है, ठीक है, कौन से ताप पर, कमरे के ताप पर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो श्वेत फास्फोरस है सबसे पहले माचिस के निर्माण के लिए इसी श्वेत फास्फोरस का यूज करा जाता था, लेकिन चूंकि यह कमरे के ताप पर ही जलने लगता था इसलिए घातक हो जाया करता था, इसीलिए श्वेत फास्फोरस की जगह पर माचिस की डिबिया पर अब लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। मैंने बताया फास्फोरस किस रूप में होता है, P4 के रूप में होता है, लाल फास्फोरस जो होता है वो माचिस की डिबिया पर यानी सेफ्टी जो माचिस होता है उसकी डिबिया पर, और पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वह तिल्ली पर लगा होता है। आगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अब अशुद्ध धातु को किस रूप में बनाया जाता है, तो एनोड के रूप में। कोई भी विद्युत परिष्करणी होता है, अपघटनी परिष्करण, ठीक है, तो उसमें एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अशुद्ध धातु का, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखो ऑप्शन में दिया गया है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम ही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो देखो वल्कनीकरण एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, प्राकृतिक रबर के साथ इसको मिलाया जाता है, क्यों, ताकि प्राकृतिक रबर सॉलिड बन सके, ठोस बन सके, तो प्राकृतिक रबर को ठोस बनाने के लिए वल्कनीकरण कराया जाता है, और इसके साथ क्या मिलाया जाता है, साधारण गंधक मिलाया जाता है, और गंधक को याद रखिएगा सल्फर भी कहा जाता है। आगे है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, चूँकि सोना को तार के रूप में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं, इस गुण को बोलते हैं तन्यता, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आगे है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो मैंने भी बताया एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पारा का जो संकेत होता है वह होता है Hg, और अगर अधातु पूछ ले तो वह होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो भाई जब भी एल्यूमिनियम रहे तो ऑप्शन में बॉक्साइट मिलेगा आपको, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वह कौन से अयस्क से किया जाता है, बॉक्साइट से। धातु के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनता है, ठीक है, यह यौगिक कहलाता है, तो यह यौगिक जो है कहलाता है धातुमल, ओके, यानी लोहे के निष्कर्षण में जो चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट बनता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का धातुमल है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है अपरूपता, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, तो मैंने कुछ समय पहले ही बताया धातु जो होता है वह विद्युत रूप से धनात्मक होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो देखो लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का संकेत होता है Zn, और लोहे या इस्पात पर जिंक के परत बढ़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं जस्तीकरण, क्या बोलते हैं, जस्तीकरण, ओके, इसी का एक और नाम है गैल्वेनीकरण, क्या, गैल्वेनीकरण, या इसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, तो याद रखिएगा ये जो भी पॉइंट मैंने बताया वो सारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है,
क्या होता है जिप्सम का केमिकल फार्मूला? तो यह होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O होता है। किसका? जिप्सम का। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो इससे पानी गायब हो जाता है और बचता है CaSO4 ½H2O। चूँकि ½H2O बचता है इसीलिए इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। तो आपसे पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या नहीं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा। तो देखो ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्रियाशील है वह मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ठीक है, फिर जिंक है, फिर क्या है, जिंक है, और उसके बाद है आपका Fe। तो ये ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक्वारेजिया यानी रॉयल जल, या इसी को बोला जाता है अम्लराज, किस अनुपात में साइंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? तो एक्वारेजिया में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, इसका जो रेशियो होता है वह 3:1 होता है। कितना? 3:1। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो धातु जो होता है वह चमकदार होता है, ये इसका करेक्टर है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो मैंने तुरंत बताया था पतले तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर कह लेता चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, तो वो होता आघात वर्धनीयता। आगे है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? मैंने तुरंत बताया चादर के रूप में बदल दिया, तो आघात वर्धनीयता, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आवाज़ जब उत्पन्न होता है तो उसे ध्वनिक कहा जाता है, सोनोरस, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, सोना का केमिकल संकेत जो होता है वो होता है AU, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो देखो अधातु का जो करेक्टर होता है उसमें चमकीला वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है, यानी अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है आयोडीन जिसमें चमक पाया जाता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो बात करें सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो है हीरा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एनोडीकरण, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता चले। और नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को अगर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो कार्बनिक कंपाउंड से संबंधित जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है, मतलब हम लोग जो भी वस्तु यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में उस वस्तु में कहीं ना कहीं उपयोग आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्बन का यूज़ करा जाता है। तो अमूमन हमारे जो बॉडी है किसी भी जीव का जो बॉडी है उसमें भी कार्बन का परसेंटेज कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो कार्बन क्या है? एक तत्व है, ओके। और इसके अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है आपका 6। कौन सा है? 6 है कार्बन परमाणु का क्रमांक। और बात कर लें कि जो कार्बन है वह हमेशा और हमेशा किस प्रकार का बंधन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन बनाता है, ओके। कार्बन के 3 परमाणु भी होते हैं, एक है हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुलेरिन। याद रखना हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, और ग्रेफाइट अधातु है, और अधातु होते हुए भी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चालन कराता है, ओके। चलो अगर बात कर लें
कार्बन की, तो कार्बन परमाणुओं के बीच जो होता है एकल, द्वि या फिर त्रि आबंध बनता है। यानी कोई भी कार्बन है तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, या कोई कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बन सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच क्या बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ओके, तो यही यहाँ कहा गया है कि कार्बन परमाणुओं के बीच या तो एकल या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। फिर बात कर ले एकल आबंध वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें कहा जाता है अल्केन। क्या? अल्केन। और जो डबल आबंध वाले यौगिक होते हैं उन्हें अल्कीन कहा जाता है, और जो ट्रिपल आबंध वाले यौगिक होते हैं उन्हें अल्काइन कहा जाता है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि वैसा कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उन्हें क्या कहा जाएगा, अल्केन, डबल बॉन्ड तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। ओके, बात करें अल्केन के केमिकल फार्मूला का, तो अल्केन का केमिकल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या? CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। क्या याद रखोगे अल्कीन का? CnH2n इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अल्काइन का क्या हो जाता है? CnH2n-2। अब यहाँ पर बात आता है कि C क्या है, तो C हो गया कार्बन, और N का मतलब हो गया परमाणु की संख्या, जो परमाणु की संख्या होगी वो लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है। और H तो हाइड्रोजन है ही। चलिए अब बात करते हैं जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण जो होता है या तो साधारण नाम या फिर आयोपिक नाम द्वारा किया जाता है, यानी IUPAC नेम, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण साधारण नाम या IUPAC नाम द्वारा किया जाता है। तो IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए आगे बात कर लेते हैं कार्बनिक परमाणुओं की संख्याओं को निम्नलिखित मूल शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लो एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ का यूज करा जाता है, ठीक है। दो है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, और दस है तो डेक। ये आप सभी याद रखोगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी मिथ का यूज किया जाएगा, मिथ टर्म का यूज किया जाएगा, तो आप समझ जाना कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, एक होगा। इथ का यूज करा जाएगा तो दो होगा, प्रोप का तो तीन, ब्यूट का चार, पेंट का तो समझ जाना है कि पाँच होंगे, ठीक है। इस हिसाब से आगे देख लेना। फिर बात कर ले हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब बात करें हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं कितने? चार प्रकार के। एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त, और एक एलिसाइक्लिक, और एक एरोमेटिक, ठीक है। इसमें से अल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और अल्कीन और अल्काइन जो होगा वो असंतृप्त होगा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसा होगा जिसमें कार्बन के छह परमाणु एक बंद श्रृंखला में होंगे। अब बात कर लेते हैं अल्केन का जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी अल्केन समूह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये ट्रिक याद रखना कि जो भी अल्केन समूह से होंगे, ठीक है, वो स्टार्ट होंगे मिथ से, यानी इनमें एक कार्बन परमाणु होगा, और जो भी अल्कीन का होगा, ठीक है, अल्कीन वाले में इथ से और अल्काइन वाले में भी इथ से शुरू होगा। अब बात कर लें कार्बनिक यौगिकों के प्रकार्यात्मक समूह की, तो ये जो OH है इसको कहते हैं अल्कोहल या हाइड्रोक्साइल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। जो CHO है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन को CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH। तो पूछा जाएगा कि COOH किसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो बोलना कार्बोक्सिलिक एसिड का। CO कहेगा तो कीटोन का, CHO कहेगा एल्डिहाइड का, OH कहेगा तो अल्कोहल और हाइड्रोक्साइड का। चलो एक और पॉइंट देख लेते हैं। हेलो श्रेणी के यौगिक होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है हेलो एल्केन। क्या कहा जाता है? हेलो श्रेणी के यौगिक को हेलो एल्केन कहा जाता है। और इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 × X। जहाँ एक्स की बात करें तो एक्स जो होता है वो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और आयोडीन होता है,
ठीक है, यानी हेलोजन वर्ग। पीरियोडिक टेबल का जो 17वां वर्ग है उसे कहा जाता है हेलोजन वर्ग, और उस वर्ग के जो तत्व होते हैं उनसे अगर कोई यौगिक का निर्माण होता है तो उन्हें कहा जाता है हेलोल्केन। ठीक है, तो 17वें वर्ग में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे बात कर लें तो आगे आपका आता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का जो प्रकारात्मक समूह होता है वो होता है OH। इसका सामान्य सूत्र की बात कर लें तो कभी भी आप यौगिक का निर्माण करोगे तो इसका हो जाएगा CnH2n+1 × OH। और किसी भी यौगिक में अगर OH रहेगा तो आप समझ जाना कि वो किससे है, अल्कोहल से बिलोंग करता है। तो जब भी अल्कोहल का यौगिक बनाया जाता है तो उसमें एल्केन में से, है ना, एल्केन में से ई को हटा दिया जाता है और इसके साथ जोड़ दिया जाता है ऑल, OL, ये याद रखना। यानी एल्केन के ई को हटाकर ऑल जोड़कर नाम को लिखा जाता है। जैसे कि अगर मान लो मीथेन है तो मीथेन का क्या हो जाता है, CH4 होता है। ठीक है, क्या होता है मीथेन का, CH4 होता है, तो इसमें से एक माइनस करके इसके साथ OH ऐड कर दो तो CH3OH हो जाएगा। ओके, और इसका नामकरण करना है ना, तो इसमें से क्या करो, एल्केन है ना, मीथेन है ना, तो मिथ में से ई ए एन ई को हटा दो, किसको, ए एन ई को हटा दो और इसके साथ जोड़ दो किसको, सॉरी ई को हटा दो और ई के साथ, ई को हटाने के बाद जोड़ दो क्या, ऑल, तो हो गया ना मिथेनॉल, या इसी को मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो, ये हो गया C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल का। तो अगर बात करें ये पहले क्या था, तो C2H6 था, इथेन था, तो इथेन में से ई को हटा करके OL जोड़ दिया तो हो गया इथेनॉल। तो अगर इथेनॉल लिखा हुआ रहे तो समझ जाना क्या हो जाएगा, प्रकार्यात्मक समूह अल्कोहल। आगे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। सामान्य सूत्र की बात करोगे CnH1+1 और CHO। इसमें आप देख लेना ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, दो कार्बन है ही, ठीक है, तो भी ये मीथेन से ही शुरू होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर इसमें जो होगा N का जो मान होगा वह 0 से शुरू होगा, ये चीज़ याद रखना, ये ट्रिक है याद रखने का। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर CnH2n है, तो अगर मान लो कोई मीथेन का पूछता है तो मिथ के जगह पर यहाँ पर जीरो, एन के जगह पर यहाँ पर जीरो दे देना, अगर इथ पूछता है तो एक माइनस कर देना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जीरो से शुरू करना तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि मिथेनल के पूछता है, ठीक है, तो मिथेनल के लिए यहाँ पर मिथ के लिए हम जानते हैं क्या हो जाएगा, CnH2n+1 होगा। ठीक है, तो एन के जगह पर जीरो डालोगे तो कार्बन ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस वन है तो प्लस वन का मतलब एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और प्लस में CHO, तो क्या हो जाएगा, HCHO। अब देखो इसमें भी ई को हटा कर क्या जोड़ना है, अल, अल्कोहल वाले में OL और इस वाले में AL, तो मिथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथेनल। उसी प्रकार से अगर इथ है तो इथेनल। आगे देखो, आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1 × COOH। इसमें भी क्या करना है, N का मान जीरो से ही शुरू करना है। ओके, जैसे मिथ है तो मिथ के जगह पर कार्बन परमाणु की संख्या के जगह पर एक लिखते थे ना, तो वहाँ पर मिथ में एक के जगह पर जीरो लिखेंगे। और इसमें भी नामकरण के लिए ई को हटा कर क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। तो देखो यहाँ पर HCOOH है तो इसमें ई को हटा करके क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड, तो बन गया मिथेनोइक एसिड। और कहीं पर भी मिथेनोइक यानी कि ओइक एसिड रहे तो समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, जैसे नामकरण करना हो, जैसे देखो यहाँ पर CH3COOH है, ओके, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसमें देखो एक और दो, दो कार्बन ऑलरेडी है तो इथेनोइक, एक कार्बन ऑलरेडी पहले से है तो मिथेनोइक, चूँकि एक कार्बन पहले से है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, ये ट्रिक है हमारा, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन ट्रिक के सहायता से आप इजीली कर पाओगे। और आखिरी है कीटोन। कीटोन का क्या होता है, CO होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 × CO × CnH2n+1,
ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछता है क्या हो जाएगा, सी एन एच टू एन प्लस वन, सी ओ सी एन एच टू एन प्लस वन। अब पूछेगा एन क्या है, तो एन जो हो जाएगा या दो तीन चार जो नंबर है वो। अब इसमें भी क्या करना है, एल्केन में ई को हटा करके वन जोड़ देना है, ठीक है, वन, या इसी को ऑन कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो शुरू होगा वो प्रोप से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मान लो कि प्रोपेनन है, तो प्रोप में कितना होता है, तीन होता है, तो देखो एक दो तीन, तीन कार्बन है, यहाँ पर भी ई को हटा करके क्या जोड़ दिया, वन जोड़ दिया, तो हो गया प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन। ओके, तो नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे कि मान लो कि नाम में ऑल लिखा रहे, ओ एल, तो समझ जाना अल एल डी किससे है, अल्कोहल से है, अल रहे तो अल्कोहल से, ओइक एसिड रहे तो किससे हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और अगर वन रहे यानी कि वन या ओन, ठीक है, तो हो जाएगा कीटोन से। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग इसमें एम सी क्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें पूछा गया है कि कितने सहसंयोजक आबंध होता है, तो इसके लिए आपको संरचना बनाना पड़ेगा C2, ठीक है, और H6, जिसका मतलब है कि एल्केन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो उसमें जो होता है हाइड्रोजन दोगुना करके तो जोड़ दिया जाता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ प्रत्येक साइड में क्या होगा, प्रत्येक साइड में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा प्रत्येक साइड में, तो आप काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छः और सात, कितने हुए, सात सहसंयोजक आबंध बने, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बनिक जिसका कार्यात्मक समूह है। अब देखो मैंने अभी तुरंत बताया, जिसमें ऑन रहे यानी ब्यूटे नॉन, ठीक है, तो देखो ई को हटा करके ओ एन ई जोड़ दिया, तो ओ एन ई जब जोड़ेगा तो वो कौन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है भाई, ईंधन नहीं जल रहा है सही से इसीलिए तो काला हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो सरलतम कौन है, जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा, मिथ है, क्योंकि मिथ का मतलब एक होता है, ठीक है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मिथेन हो जाएगा। आगे है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो वह क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन। आगे है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है, तो 0.03%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितना, 78, उसके बाद ऑक्सीजन कितना, 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हालांकि ऑर्गन पाया जाता है 0.94% के करीब, ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, H2SO4, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो देखो मैंने तुरंत बताया, ये हो जाएगा आपका क्या, एल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा कीटोन, ठीक है, तो पूछा गया है कार्बोक्सिलिक, तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें कितने सिग्मा आबंध होते हैं, तो याद रखना इथोलीन की बात कर रहा है, यानी कि इथोलीन मतलब दो कार्बन परमाणु वाला होगा, ठीक है, तो इथोलीन में जो होता है क्या होता है, दो सिग्मा आबंध होता है, दो पाई आबंध और दो सिग्मा, बी में है सिग्मा आबंध, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो पहला ही प्रश्न है वही है, बस यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया है, तो इथेन का क्या होता है, दो कार्बन परमाणु, तो आप काउंट कर लो ना सिंपली, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवा, तो सात करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो यह है एल्केन का, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला तूतिया का होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तीन होते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, ए करेक्ट आंसर होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। ग्लूकोज का पूछ लेगा
तो C6H12 और O6। आगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3 और ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो जो कार्बोनिल समूह होता है उसे सूचित किया जाता है CO द्वारा, CHO एल्डिहाइड का, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, तो इथाइल, तो देखो इथाइल का मतलब हो गया इथ, यानी कि कितने, दो कार्बन परमाणु, तो दो किस में है, बी वाले में भी है, सी वाले में भी है और डी वाले में भी है। लेकिन जब अल्कोहल होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 × OH, तो इथाइल है तो दो है, तो दो रखो यहाँ पर, दो इंटू दो गुने दो प्लस वन इंटू ओ एच, ठीक है। तो देखो C2, तो C2 कंप्लीट, ठीक है। और एच कितना हो गया, दो दुनी चार और एक पाँच, तो पाँच किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ये हो जाएगा बेंजीन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन अवबंध होते हैं, तो आप ऑप्शन में देखो, इसमें तो सिंगल होगा, इसमें भी सिंगल होगा, ठीक है, लेकिन जब तीन की बात करेगा तो इसमें हो जाएगा ट्रिपल, क्योंकि आप देख लो इसमें 3 × 2 = 6 × 2 = 8 एल्केन से है, 2 × 2 = 4 × 2 = 6 एल्केन से है और यहाँ भी ये एल्केन से है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, कार्बन परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर एच, यहाँ पर इसका चार पूरा हो गया और यहाँ पर इधर इसका एक एक हो जाएगा, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, सी करेक्ट होगा। अगला है निम्न में कौन युग्म समावयवी है, तो ऑप्शन में देख लो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका क्या है, समावयवी है। आगे है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो देखो नॉल का मतलब OL आ गया ना, ये हो गया इथेनॉल, तो OL जब होगा तो वह हो जाएगा अल्कोहल का, अगर इसी जगह पर AL रहता तो हो जाता किसका, एल्डिहाइड का, इसी जगह पर अगर ओइक एसिड रहता तो किसका हो जाता, ओइक एसिड रहता तो इसका हो जाता है ना, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, या इसी की जगह पर ON रहता तो क्या हो जाता, CO का हो जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऑल यानी OL, तो हो जाएगा A करेक्ट आंसर। आगे है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो देखो मैंने बताया था कि जिसमें सोडियम और क्लोरीन हो वह आयनिक यौगिक बनाएगा, देखो इसमें सोडियम क्लोरीन दोनों हैं तो ये तो सहसंयोजी होगा नहीं, इसमें क्लोरीन है यह भी नहीं होगा, इसमें सोडियम है मतलब यह भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, मीथेन जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए में, यह आपका सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। नेक्स्ट है COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो भाई COOH है इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट ना दे करके अम्ल दे दिया है, सी करेक्ट आंसर। और आज के क्लास का आखिरी प्रश्न, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो CHO है ना, तो CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्रियाशील मूलक पूछा जाता है इसलिए याद रखना, कीटोन का क्या होगा, CO, एल्डिहाइड का CHO, अल्कोहल का OH, ठीक है, और एक याद रखना है COOH यानी COOH, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये चार कम से कम आप क्रियाशील मूलक याद रखोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि इसमें सभी क्रियाशील मूलक का जो संरचना है वो हम बताएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम सारे संरचना को अच्छी तरीके से समझा देंगे, चाहे मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन का हो, चाहे मेथेनॉल प्रोपेनॉल का हो, चाहे आपका पेंटेनल ब्यूटेनल का हो, या आपका मेथेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड का हो, या जिस भी चीज़ का हो, अगर आप चाहते हो संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं तो कमेंट करना, हम बता देंगे। तो सर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो वो सारी आपको मिल पाए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि पीरियोडिक टेबल जो है यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करना क्यों जरूरी था। तो देखिए तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए एक समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया तथा अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था को ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। इतिहास में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, ठीक है, जिनमें सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था डोवेराइनर ने, ठीक है, उसके बाद आए न्यूलैंड्स ने, और उसके बाद फिर मेंडेलीफ साहब आए, और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी दिया था आपका मुसले साहब ने। तो हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हम बात कर लें डोवेराइनर की या फिर न्यूलैंड्स की या फिर मेंडेलीफ की, तो इन सभी ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था, या यूँ कह लें कि तत्वों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डोवेराइनर का, ठीक है, यानी कि डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। तो देखिए डोवेराइनर की बात करें तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा और इस समूह को ही त्रिक कहा गया, ठीक है। डोवेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया था, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर था। जैसे हम बात करें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39, तो इन्होंने इसको इस क्रम में व्यवस्थित किया। जो मध्य का जो एटम था उसका एटॉमिक मास आपका पहला और तीसरा जो एटम था उसके एटॉमिक मास के लगभग एवरेज था। जैसे सोडियम का 23 औसत 23 परमाणु द्रव्यमान होता है, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39, तो इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं एवरेज निकालते हैं तो लगभग लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। तो इस तरह से इन्होंने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था। अब इनके सिद्धांत में भी बहुत सारी कमियां निकल करके आई जिनके कारण इनका सिद्धांत फेल हो गया। जैसे हम बात कर लें सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं रखा जा सकता था। अब उसके बाद आए थे न्यूलैंड साहब, इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो देखिए इन्होंने तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया था। इनके अनुसार हर एक तत्व अपने से आठवें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। जैसे कि हम बात कर लें लिथियम का गुणधर्म सोडियम के समान होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से, तो इनको याद रखिएगा। न्यूलैंड्स ने अपना जो नियम दिया था उसमें प्रथम तत्व हाइड्रोजन था तथा अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था, ठीक है। और इनके समय में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, 56 थी। अब न्यूलैंड्स का जो नियम था अष्टक नियम, इसमें भी बहुत सारी कमियां निकल करके आई जिनके कारण इनका भी नियम बाद में फेल साबित हो गया। जैसे कि हम बात कर लें कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें वह जो था सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसके बाद यह फेल हो जाता था, यानी कि कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू होता था, उसके बाद जितने भी तत्व थे उन पर ये इनका नियम लागू नहीं हो पाता था, इसीलिए इनका नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में MCQs टाइप में पूछा जाता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा त्रिक सिद्धांत दिया था डोवेराइनर ने और अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। तो ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए न्यूलैंड से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे इनका मानना था कि तत्वों की जो संख्या है वह सिर्फ 56 है, लेकिन इसके बाद और नए तत्वों की खोज की गई थी। तो ये भी एक MCQ में क्वेश्चन निकल करके आएगा कि न्यूलैंड्स के समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स के समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो वो था 56, और पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन, और आखिरी तत्व कौन था, तो थोरियम था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आए मेंडेलीफ साहब जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी दिया था। तो देखिए मेंडेलीफ जो थे एक रशियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो मेंडेलीफ ने किया था, ठीक है। अब देखिए मेंडेलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, ठीक है। मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी को ग्रुप और पीरियड में बांटा था, ग्रुप बोले तो वर्ग और पीरियड यानी कि आवर्त, ठीक है। तो इन्होंने इनका जो आवर्त सारणी था इसको ग्रुप और आवर्त में डिवाइड किया था। मेंडेलीफ के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, तो 9 वर्ग, और आवर्त की संख्या कितनी थी, 7 थी, यानी कि 7 आवर्त और 9 वर्ग थे कुल। मेंडेलीफ ने कुछ अज्ञात तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिया था। इनका जो आवर्त सारणी था उसमें इन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था
ताकि बाद में अगर किसी तत्व की खोज हो पाए तो वो वहाँ पर एडजस्ट हो पाए। अब देखिए, इनके आवर्त सारणी में भी बहुत सारी कमियां निकल कर के आई। जैसे समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था और ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया था। जैसे हम बात कर लें, आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया था। जैसे हम बात कर लें, इन्होंने जब एटॉमिक मास के हिसाब से व्यवस्थित किया था तो आयोडीन की अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात कर लें तो होता है 126.92 और टेल्यूरियम का कितना होता है 127.61। तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, आयोडीन पहले होना चाहिए था और टेल्यूरियम बाद में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था, टेल्यूरियम को पहले रखा और बाद में आयोडीन को रखा। तो इसके हिसाब से भी इनका ये नियम जो था वह फेलियर होता दिख रहा था और बाद में साबित भी हो गया। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आधुनिक आवर्त सारणी से ही देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आधुनिक सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की, तो 1913 में हेनरी मोस्ले साहब ने तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। देखिए, अभी तक जितने भी वैज्ञानिक आए, चाहे वो न्यूलैंड्स हों या फिर डोबराइनर हो या फिर मेंडलिफ हो, इन सभी ने फोकस किया था किस पर, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। लेकिन मोस्ले साहब आए तो इन्होंने बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से क्या किया था, जो भी पीरियोडिक जितने भी तत्व थे उन सभी को डिवाइड किया और अलग अलग क्रमों में रखा था। ठीक है, तो इन्होंने कब, 1913 ईस्वी में क्या किया था, अपना पीरियोडिक टेबल दिया था जिसमें इन्होंने जितने भी तत्व थे उनको बढ़ते परमाणु संख्या के हिसाब से क्या किया था, व्यवस्थित किया था। इन्होंने भी अपने आवर्त सारणी को किस में बांटा था, पीरियड और ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जैसे मेंडलिफ साहब ने ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया था, उसी तरीके से इन्होंने में क्या किया था, अपना जो पीरियडिक टेबल था इसको ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया था, यानी कि वर्ग और आवर्त में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हम बात कर लें कि इनमें इनका जो आवर्त सारणी था इसमें कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे। तो इनके आवर्त सारणी, यानी यूँ कह लें कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 क्या था, आवर्त था। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर मान लें कि एग्जाम में पूछ दे कि वर्ग किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें लंबवत कतारें होती हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज कतारें होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 लंबवत कतार हैं और 7 क्षैतिज कतारें हैं जिन्हें हम क्रमशः क्या क्या कहते हैं, वर्ग और पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड्स तथा 89 से लेकर के 103 तक को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ठीक है ना, और इन सभी को जो है 58 से लेकर के 103 तक जो तत्व हैं, परमाणु संख्या 58 से 103 तक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिसे हम लोग एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। कौन सा ब्लॉक कहा जाता है, एफ ब्लॉक। या एग्ज़ाम ऐसे ही पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिसमें एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स को रखा गया है। लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखिएगा 58 से 71 तक जो होते हैं लेंथेनाइड्स, और 89 से 103 तक क्या हो जाएगा, आपका एक्टिनाइड्स हो जाएगा, जिसे हम आवर्त सारणी के नीचे रखते हैं और इसे एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी के बाएँ भाग को एस ब्लॉक, ठीक है, तथा दाएं भाग को पी ब्लॉक, और मध्य भाग को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक कहा जाता है। आप यहाँ पिक में देख रहे होंगे, आवर्त सारणी में जो बायां भाग है ये पूरे भाग को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है, और दाएं भाग को पी ब्लॉक कहा जाता है, और मध्य का जो भाग है उसे डी ब्लॉक कहा जाता है। और देखिए, आवर्त सारणी के ठीक नीचे जो आपका ये ब्लॉक बना हुआ है इसे क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम में कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि किस आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है। तो देखिए, हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे, हालांकि इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, चलिए हम पहले समझ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए, किसी आवर्त में कितने तत्व हैं इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक सारणी दिया गया है, पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें देखिए पहला आवर्त है इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 2 है। दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है। तीसरे आवर्त में भी 8 है। चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और सातवां आवर्त जो है वह शेष है।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसका एक कोड है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 6 तत्व। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त हैं, तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, दूसरे आवर्त में कितने हो गए, 8 हो गए, तीसरे आवर्त में कितने हो गए, 8 हो गए, चौथे आवर्त में भी 18, पाँचवें में 18 और छठे आवर्त में कितने, 32 और सातवें आवर्त में जो शेष तत्व आ रहे हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है, यानी कि रखा गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में आपको केवल 5 ग्रुप को याद रखना है, ठीक है, और इससे ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। तो वो 5 ग्रुप कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है पहला ग्रुप, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि अल्कली मेटल किस वर्ग को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अल्कली मेटल पहले ग्रुप को कहा जाता है, यानी कि पहले वर्ग को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है 11वां वर्ग, जिसे हम सिक्का धातु के नाम से जानते हैं, हमारे जितने भी कॉइन्स बनते हैं, रुपये बनते हैं, वो सारा आपका 11वें वर्ग के जो तत्व हैं यानी कि कॉपर वगैरह जो हैं इन सभी से ही बनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11वें वर्ग को क्या कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है 17वां वर्ग, 17वें वर्ग को हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है, और 17वां वर्ग आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बहुत बनेंगे आपके। जैसे हम बात कर लें, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो वर्ग होता है वह कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील वर्ग है वह आपका 17वां वर्ग यानी कि हैलोजन वर्ग ही है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है, जो हैलोजन वर्ग का पहला सदस्य है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 18वें वर्ग का, 18वां वर्ग भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी नोबल गैसों को रखा गया है, यानी कि सभी निष्क्रिय गैसों को रखा गया है, जितने भी निष्क्रिय गैस नोबल गैस कह लें या फिर इसको शून्य वर्ग कह लें, है ना, ये सारे को किस में रखा गया है, 18वें वर्ग में रखा गया है। अब चूँकि इसे निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय वर्ग, शून्य वर्ग या अक्रिय वर्ग या नोबल वर्ग क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों क्यों नहीं रिएक्ट करता है, क्योंकि देखिए कोई भी तत्व अगर रिएक्ट किसी भी तत्व के साथ करता है तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तब वो क्या करता है, दूसरे तत्व के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो 18वां वर्ग के जो तत्व हैं, इनके जो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, यानी कि ये अपना अष्टक पहले से पूरा किया हुआ है, इसीलिए यह किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको 5 वर्ग याद रखने, कौन कौन सा, पहला जिसे क्षारीय धातु कहा जाता है, दूसरा जिसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, और उसके बाद 11वां जिसे सिक्का धातु कहा जाता है, और 17वां जिसे हैलोजन वर्ग कहा जाता है, और 18वां जिसे नोबेल शून्य अक्रिय या निष्क्रिय वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखिएगा, जैसे कि एटॉमिक साइज़ की हम बात कर लें या फिर विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एटॉमिक साइज के बारे में। देखिए आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे जाएँ तो क्या होगा, तत्व की साइज़ बढ़ता है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख रहे होंगे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तत्व का साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। जैसे देखिए पहला तत्व जो आपका हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम और तीसरा क्या है, सोडियम है, तो तीनों का आप एटॉमिक साइज़ देखें, हाइड्रोजन का, लिथियम का और सोडियम का एटॉमिक साइज़ देखकर का बता सकते हैं खुद से भी कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। दूसरा हम बात कर लें आवर्त सारणी में बाएँ से दाएँ जाने पर क्या होता है, तो याद रखिएगा बाएँ से दाएँ जाने पर तत्वों का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, घटता है। चलिए इसे हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तीनों के अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 3, 4, 5 और 6 होता है, ठीक है, यानी लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6। अब तीनों के नाभिक में अगर हम देखें तो लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5 और कार्बन के 6, यानी यूँ कह लें कि क्रमशः क्या होता है, परमाणु ये जो है प्रोटॉन की संख्या वह बढ़ती जा रही है, तो प्रोटॉन की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचता जाएगा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा प्रोटॉन, जिससे क्या होगा कि एटॉमिक साइज़ ऑटोमेटिक क्या हो गई, घटती जाएगी,
ठीक है, यानी कि जितना प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी, वह उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करते चले जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तत्वों का साइज घटता है। अब हम लोग बात कर लें विद्युत ऋणात्मकता का, तो इसको बस याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वह बढ़ती है। यानी कि ये जो है आपका एटॉमिक साइज के ठीक विपरीत होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज में क्या होता था, नीचे ऊपर से नीचे आने पर क्या होता था, तत्वों का साइज बढ़ता था, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। ठीक है, और उसमें क्या था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का साइज घटता था, लेकिन इसमें क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर ले कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118, जिसमें आपका 22 अधातु 90 धातु है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अधातुओं की संख्या कितनी है, तो 22 अधातु है, याद रखिएगा। अब देखिए 118 तत्व में जो 98 तत्व है वह प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, और 20 तत्व जो शेष बचते हैं वह मानव निर्मित है, यानी कि कह सकते हैं कृत्रिम है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन से हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, उसमें कहा गया सिर्फ तत्व, तो तत्व कौन सा, ऑक्सीजन, लेकिन जब धातु तत्व बोलेगा तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम, और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम भारी तत्व की बात कर लें तो भारी तत्व आपका हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, जो कि नेचुरली है। अब बात कर लें सबसे भारी धातु कौन सा है, हमारा जो पूरा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो हो जाएगा ओस्मियम। ठीक है, अब ये दो पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है कि सबसे, अगर हम धातु की बात कर लें तो धातु कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं धातु का प्रॉपर्टी क्या होता है कि यह सॉलिड होता है, लेकिन एक धातु ऐसा भी है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है कौन सा, पारा, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है, तो याद रखिएगा अधातु है ब्रोमीन, और धातु कौन सा है, पारा है। तो दोस्तों ये था आपका पीरियोडिक टेबल का पूरा सारांश, तो उम्मीद करते हैं कि आपने केयरफुली सुना होगा और देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब कुछ MCQ क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो उस MCQ क्वेश्चन को देखते हैं, केयरफुली देखिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो देखो आवर्त सारणी की अगर बात करेंगे तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसमें ऐसे जो लाइन जाते हैं उनको कहा जाता है क्षैतिज। तो क्षैतिज जो होता है वो 7 लाइंस होते हैं, और उदग्र जो लाइंस होती है वो टोटल और टोटल कितनी होती है, 18 होता है। यहाँ पर कहा गया उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो जो खड़ी लाइंस होती हैं इन्हें कहा जाता है वर्ग, और जो लेटी हुई लाइन यानी क्षैतिज लाइन जो होती है इन्हें कहा जाता है आवर्त। अगर बात करें वर्ग का, तो वर्ग का संख्या होता है 18 आधुनिक आवर्त सारणी में। उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो याद रखना आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग का सदस्य है उसे कहा जाता है क्षारीय धातु। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछता है सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु। इसी प्रकार से आप याद रखना 17वें वाले का हेलोजन बोलते हैं उसको, क्या, हेलोजन वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार से पूछ लेगा 18वें वर्ग का, तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय वर्ग, नोबेल वर्ग, शून्य वर्ग, अक्रिय वर्ग। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, यानी वही 18वें वर्ग की बात की जा रही है, तो उसमें आता है कौन कौन सा तत्व, मैं आपको बता दूं, हीलियम आता है, ठीक है, नियोन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिनोन आता है, ऑर्गन आता है, ऑग्नीशन आता है। तो इस ऑप्शन में देखो आपको एक लौता हीलियम मिलेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हैं, तो
मीथेन की अगर बात करें तो क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होगा। तो देखो इसमें कितने हो जाएंगे, एक ये है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो कितने हो गए, चार हो गए। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो याद रखना, शुरू में जो आए थे डोब्रेनर साहब, या फिर न्यूलैंड साहब, या फिर कौन सा, मेंडलीव साहब, इन सभी ने परमाणु द्रव्यमान को आधार माना था। किसको, परमाणु द्रव्यमान को। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी आई हेनरी मोसले का, ठीक है, हेनरी मोसले का, तो इन्होंने परमाणु क्रमांक पर बात किया। किस पर, परमाणु क्रमांक पर, और वो भी बढ़ता परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु संख्या। तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, अमोनिया में, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो अमोनिया का हो जाएगा क्या, NH3, क्या होता है NH3, तो नाइट्रोजन कितने हैं, एक, और हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, तो 1:3 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे का होता है 26, 26, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या होती है। यह भी याद रखना, यह भी पूछ लेगा कि ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या कितनी होती है, या समूह की संख्या कितनी होती है, या वर्गों की संख्या कितनी होती है, या खड़ी लाइन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को क्लास भी बोला जाता है, वर्ग को। नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो O3 होता है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला, 3 हो गया, तो सी करेक्ट आंसर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज होती है, यानी कि लेटी रेखा, क्षैतिज रेखा होता है 7, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है वह अक्रिय तत्व है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये 18वें वर्ग से संबंधित है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो भाई क्षैतिज रेखा को ही आवर्त कहा जाता है, तो 7 होते हैं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो त्रिक नियम दिया गया था किसके द्वारा, डोब्रेनर के द्वारा, और न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था अष्टक नियम, ठीक है, कौन सा नियम, अष्टक नियम। नेक्स्ट है, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो मैंने तुरंत बताया, न्यूलैंड्स के द्वारा, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके इनमें किनके आवर्त फलन होता है। तो मेंडेलीव का जो था वो था परमाणु द्रव्यमान, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडेलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। तो भाई मेंडेलीव जो था वह परमाणु द्रव्यमान को लेकर के किया था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा। तो देखो, विद्युत धनात्मकता जो होती है वह ऊपर से नीचे आने पर, समूह में याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीयता बढ़ जाती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो यह हो जाएगा फ्लोरीन, बी, ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। तो Na2O जो है वह सबसे ज़्यादा क्षारकीय है, सोडियम ऑक्साइड। आगे है, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं, तो कहलाते हैं क्षार धातु। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो मैग्नीशियम जो है समूह 2 का सदस्य है, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे। तो देखो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हैं इनके रासायनिक आचरण समान होंगे, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह धात्विक अभिलक्षण का प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है ये कर सकता है धात्विक, सॉरी अधात्विक कह रहा है, अधात्विक अभिलक्षण का प्रदर्शन कौन करेगा, ब्रोमीन करेगा, तो डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किसने दिया था? मोसले ने दिया था, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा? तो सबसे अधात्विक गुण सबसे ज़्यादा कौन प्रदर्शित करेगा? क्लोरीन करेगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो परमाणु संख्या किसने कहा था? हेनरी मोसले ने कहा था, तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, आधुनिक आवर्त के नियमानुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो बढ़ता परमाणु द्रव्य क्रमांक का आवर्त फलन है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो वो घटेगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, वुल्फगांग डोबराइनर किस देश से संबंधित है? तो डोबराइनर जो था वो जर्मनी से संबंधित था, और डोबराइनर ने कौन सा नियम दिया था? तो त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम? त्रिक नियम। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ये होते हैं सात। साढ़े गामा पा आपने सुना होगा, सात यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व थे? तो ज्ञात तत्व थे उस समय 63, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता लगाया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर होता है 10^-12, ठीक है। ये मानक उपसर्ग है, और मानक उपसर्ग से संबंधित मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसको प्लेलिस्ट में 9th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने 9th का फिजिक्स का सभी चैप्टर का एक मास्टर वीडियो भी बना रखा है जिसमें वनलाइनर क्वेश्चन करा है, आप उसको भी देख सकते हो। आगे है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर, क्योंकि तत्व जो संयोग करता है एक दूसरे से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साझा से ही होता है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक। Oh, oh, oh.